हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करता है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम से बात करने वाले हैं कि LIC पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू क्या होता है, पॉलिसी को कैसे सरेंडर कर सकते हैं, कैसे सरेंडर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और कितना पैसा मिलता है यदि पॉलिसी को सरेंडर करते हैं। तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चन हैं और कैसे पॉइंट्स है जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सरेंडर वैल्यू क्या होता है, सरेंडर वैल्यू क्या है। तो सरेंडर वैल्यू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में पूरी अवधि तक प्रीमियम जमा करने से पहले पॉलिसी को सरेंडर करने पर आप जो भी प्रीमियम जमा करते हैं उसमें से कुछ हिस्सा LIC आपको दे देता है। उस हिस्सा में से कुछ ऐसे चार्जेस है, यानी कि आपने जितना भी पैसा जमा किया है वहाँ से कुछ चार्जेस LIC वहाँ से काट लेता है, इंश्योरेंस कंपनी काटता है, और उसके बाद जो भी पैसा मिलता है उसी को LIC की सरेंडर वैल्यू कहा जाता है। नंबर टू में है LIC पॉलिसी सरेंडर वैल्यू प्रोसेस। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे, जब आप LIC पॉलिसी को सरेंडर करते हैं और सरेंडर करने के बाद LIC पॉलिसी की जो भी सरेंडर करने के बाद जो भी अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट में आने से पहले जो भी प्रोसेस है उसी को LIC पॉलिसी सरेंडर प्रोसेस कहा जाता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, जब आप पॉलिसी सरेंडर करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते हैं LIC की सर्विसिंग ब्रांच ऑफिस में, वहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद जो प्रोसेस है, मान लीजिए 3 से 7 दिन के अंदर आपका पॉलिसी सरेंडर हो जाता है। इसमें क्या होता है कि LIC के जो PS डिपार्टमेंट यानी कि पॉलिसी सर्विसिंग जो डिपार्टमेंट होता है, ये आपके डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करता है, सारे आपके जैसे कि बैंक अकाउंट है ये आपको वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करने के बाद आपके पैन कार्ड को वेरीफाई करते हैं, आपने जो पॉलिसी बोर्ड दिया हुआ है ये सब सही है कि नहीं, ये आपने जो भी सिग्नेचर दिया है ये सब वेरीफाई करते हैं, सब कुछ ठीक है कि नहीं। ये सब ठीक करने के बाद उसके बाद अगर आपका पॉलिसी का जो प्रीमियम जो अमाउंट है अगर छोटा है पॉलिसी, तो ये आपका LIC का जो ब्रांच ऑफिस है वहीं पर ये सब आपका कंसीडर करने के बाद पॉलिसी को सरेंडर कर देते हैं और आपका बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। और यदि आपका पॉलिसी कुछ बड़ा है, तो जैसे कि जीवन शांति इस तरह की कुछ पॉलिसी अगर आपने प्लान ले रखे हैं, तो ऐसे पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए सिर्फ ब्रांच ऑफिस के जो रिव्यू करते सिर्फ वहीं पर नहीं होता है, इसे रिव्यू करने के लिए डिविज़न ऑफिस में वे सब डॉक्यूमेंट्स को भेजते हैं या फिर जर्नल ऑफिस में भी भेजते हैं। इस तरह की जो बड़े बड़े जो ब्रांच ऑफिस के जो बड़े ऑफिस है वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को भेजा जाता है, वहाँ पर वे सब इस आपके जो फॉर्म है उसे सब रिव्यू करते हैं, रिव्यू करने के बाद पॉलिसी को सरेंडर करते हैं। तो इस तरह की प्रोसेस होते हैं। अगर बड़ा पॉलिसी है तो 10 से 15 दिन भी लग सकता है, महीना भी लग सकता है, लेकिन अगर प्रीमियम छोटा है 10,000 50,000 इस तरह की अगर प्रीमियम है, 1 लाख का प्रीमियम है और इस तरह का अगर आपका अमाउंट है सरेंडर वैल्यू, तो ये बहुत ही जल्दी सरेंडर हो जाता है। लेकिन आमतौर पर आपका 3 से 7 दिन के अंदर ही पॉलिसी सरेंडर हो जाता है और आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये था कि LIC पॉलिसी की सरेंडर की जो प्रोसेस है। नंबर 3 में LIC पॉलिसी कैसे सरेंडर करें। इस पर मैंने पहले भी कई सारे वीडियोस इस चैनल पर दिए हुए हैं, यदि आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखे तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखें, और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, यदि आप सरेंडर करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है, बस आप LIC के सर्विस में ब्रांच ऑफिस में जाइए, वहाँ से फॉर्म लीजिए, फॉर्म लेने के बाद फॉर्म को फिलअप करिए और उसके साथ ही साथ बैंक पासबुक पैन कार्ड और LIC की जो ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड है ये सब सबमिट करें, आपका पॉलिसी सरेंडर हो जाएगा। यदि कुछ तकलीफ है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप हमारे अन्य वीडियोस देख सकते हैं और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। यदि आपका कुछ सवाल है तो वो भी आप इस कमेंट जो सेक्शन है वीडियो के वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। नंबर 4 में है कि LIC पॉलिसी सरेंडर करने पर कितना पैसा मिलता है। यदि आपका पॉलिसी आप सरेंडर करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि कितना पैसा आपको मिलेगा वापस। तो इसके लिए आप आपके LIC सर्विसिंग ब्रांच ऑफिस में जाइए और वहाँ पर LIC की इंक्वायरी टेबल पर जाइए और वहाँ पर आप अपने पॉलिसी नंबर देकर वहाँ पर आप उनसे मांगे कि LIC सरेंडर वैल्यू, पॉलिसी की जो सरेंडर वैल्यू उसे लीजिए। वहाँ पर आपको पूरा क्लियर बताएगा कि आपको कितना पैसा मिलेगा आपका पॉलिसी सरेंडर करने पर। वैसे अगर हम आमतौर पर बताएं कि आपका कितना पैसा मिलेगा, जितना भी आपने प्रीमियम जमा किया है वहाँ से आपको लगभग 30-40% आपका पैसा वहाँ से चार्जेस के तौर पर काटा जाएगा, उसके बाद ही आपका पैसा आपको वापस दिया जाएगा। LIC पॉलिसी की सरेंडर जो फॉर्म है उसे कैसे फिलअप करते हैं, कैसे फॉर्म को भरते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा हमसे पूछते रहते हैं कि कैसे फॉर्म को फिलअप करें, और कैसे ऐसे मेरे फ्रेंड्स भी जो हमेशा LIC पॉलिसी की जो सरेंडर फॉर्म है वो पूछते रहते हैं कि कैसे फॉर्म को फिलअप करते हैं, कौन सा कहाँ पर क्या लिखना है, कौन सा जगह पर सिग्नेचर करना है वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऐसे बातें वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो मैं आप चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं उस चीज़ को मैं कवर करूँ और यहाँ पर मैं बताऊँ कि कैसे LIC पॉलिसी की जो सरेंडर फॉर्म है उसे फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए उस फॉर्म को फिलअप करना सीखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरेंडर फॉर्म यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आप कैसे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि जो पहला नंबर जो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आर यू अवेयर दैट सरेंडर ऑफ LIC पॉलिसी लॉसिंग लाइफ कवर एंड फाइनेंशियल लॉस।
यहाँ पर आप येस दे दीजिए, यहाँ पर येस लिखना है। उसके बाद नंबर टू में रीज़न फॉर सरेंडर, आप किस कारण से पॉलिसी को बंद करना चाहते हैं या फिर सरेंडर करना चाहते हैं, वो रीज़न यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं फिनंशियल प्रॉब्लम। उसके बाद नंबर थ्री में जो है यहाँ पर आप इसको यहाँ पर नो लिखना पड़ेगा। नो लिखने के बाद यहाँ पर देखिए सिग्नेचर ऑफ लाइफ इंश्योर्ड या प्रोपोजर, यहाँ पर आप सिग्नेचर कर दीजिए, जिससे जो पॉलिसी होल्डर है वो वहाँ पर सिग्नेचर करेगा। इसके बाद यहाँ पर डेट और प्लेस, जो जगह है आप अपना एड्रेस के, जो जैसे कि सिलचर या फिर असम जो भी है वहाँ पर जगह है वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो जो दो नंबर जो फॉर्म है यहाँ पर भी सिंपल है, बस आप यहाँ पर जैसे कि टू लिखा है, टू लिखने के बाद जो एड्रेस दिया गया है यहाँ पर आप जो ब्रांच ऑफिस जहाँ LIC की जो ब्रांच ऑफिस जहाँ है उस ब्रांच ऑफिस का कोड लिख दीजिए या फिर डिविजनल ऑफिस का कोड लिख कर यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद पॉलिसी नंबर यहाँ पर लिखना है और सिग्नेचर ऑफ एश्योर्ड यहाँ पर सिग्नेचर करना है, डेट लिखना है। उसके बाद नेम ऑफ एश्योर्ड, जो लाइफ एश्योर्ड या पॉलिसी होल्डर है उसका नाम यहाँ पर लिखना है और उसका एड्रेस यहाँ पर लिखना है इन ब्लॉक लेटर्स, ठीक है, यानी कि कैपिटल लेटर्स में लिखना है। इस फॉर्म में बस इतना ही करना है। उसके बाद जो नंबर थ्री जो फॉर्म है यहाँ पर देखिए पॉलिसी नंबर लिखना है, पॉलिसी नंबर लिखने के बाद पॉलिसी होल्डर का नाम लिखना है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर देखिए कि नेम ऑफ प्लेस एड्रेस लिखना है यहाँ पर, और उसके बाद डेट और ईयर यहाँ पर लिखना है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए कि एक रेवेन्यू स्टाम्प यहाँ पर चिपकाना है। उसके बाद उसके ऊपर एक सिग्नेचर, क्रॉस सिग्नेचर देना है। ये सिग्नेचर देने के बाद यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि नेफ्ट मैंडेट फॉर्म, इस फॉर्म को फिलअप करना है। यहाँ पर देखिए पॉलिसी नंबर लिखना है, नेम लिखना है, बैंक अकाउंट नंबर, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट ऑफ सेविंग्स अकाउंट लिखना है, और यहाँ पर आपको नेम एंड प्लेस ऑफ ब्रांच, इसके बाद IFSC कोड, मोबाइल नंबर और उसका जो पॉलिसी होल्डर है उनका सिग्नेचर देना चाहिए। इस फॉर्म के साथ आपको बैंक पासबुक देना पड़ेगा और उसके साथ ही साथ पैन कार्ड और पॉलिसी बॉन्ड, यानी कि जो पॉलिसी आपकी पॉलिसी है उसका जो ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड है, सर्टिफिकेट है, सभी डॉक्यूमेंट्स को इन फॉर्म के साथ आपको LIC की जो ब्रांच ऑफिस है सर्विसिंग डिपार्टमेंट में ये सब सबको सबमिट करने पर, सबमिट करने के बाद आपका 7 से 10 दिन के अंदर आपका पॉलिसी सरेंडर हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और जो भी पैसा मिलना है ये सब आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिएगा LIC की तरफ से। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो का लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं यहाँ पर इसी तरह की वीडियो हमेशा अपलोड करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।